तृतीय कोटि का सरणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो यदि हम तीन युगपद समीकरण a1 x plus b1 y plus c1 z equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 z equal to 0 और a3 x plus b3 y plus c3 z equal to 0, इन तीनों समीकरणों पर विचार करें, तो समीकरण 2 और 3 में हम वज्रगुणनखंड विधि का उपयोग करके x, y और z का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 हमने नामकरण कर दिया है। अब समीकरण 2 और 3 को हम वज्रगुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो यहां पर हल करने पर आपको मिल जाएगा x अपॉन b2c3 माइनस b3c2 इक्वल टू y अपॉन a3c2 माइनस a2c3 इक्वल टू z अपॉन a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू k माना। या फिर आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि x अपॉन डिटर्मिनेंट b2c2 b3c3 इक्वल टू माइनस y अपॉन डिटर्मिनेंट a2c2 a3c3 इक्वल टू z अपॉन डिटर्मिनेंट a2 b2 a3 b3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x अपॉन b2c3 माइनस c2b3 इक्वल टू माइनस y अपॉन a2c3 माइनस a3c2 इक्वल टू z अपॉन a2b3 माइनस a3b2। अब जो मध्य पद है, y का चिन्ह यहां पर ऋणात्मक है, तो यदि आप y के गुणांक को धनात्मक रूप में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे y अपॉन a3c2 माइनस a2c3। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप क्रम वही रखते हैं जो x को हल करने या x के अनुपात में जो सारणिक था उसे हल करने के लिए किया था आपने, तो y का चिन्ह आपको ऋणात्मक लेना होगा, और यदि आप y का चिन्ह धनात्मक लेते हैं तो क्रम में आपको परिवर्तन करना होगा। तो यहां से यदि इन तीनों अनुपात को हम k मान करके चले तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू k इंटू b2c3 माइनस c2b3, y इक्वल टू k इंटू a3c2 माइनस a2c3 और z इक्वल टू आपको मिल जाएगा k इंटू a2b3 माइनस a3b2। यहां पर k इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यदि k इक्वल टू 0 होगा तब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इन x, y और z के मानों को समीकरण 1 पर रख दें तो हमें मिल जाएगा k इंटू a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2 प्लस kb1 इंटू a3c2 माइनस a2c3 प्लस kc1 इंटू a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। अब तीनों पदों पर जो k है कांस्टेंट या उपलब्ध है, इसे हम उभयनिष्ठ निकाल करके कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2 प्लस b1 इंटू a3c2 माइनस a2c3 प्लस c1 इंटू a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। अब यदि आपको b1 का जो गुणांक है उसे ऋण चिन्ह के रूप में लिखना हो तो आप लिखेंगे a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2 माइनस b1 इंटू a2c3 माइनस a3c2 प्लस c1 इंटू a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। तो यहां पर b के बाद में जो ब्रैकेट था उसके पदों को हमने परिवर्तित कर दिया और b का जो चिन्ह था उसे धनात्मक से ऋणात्मक कर दिया। अब इसे यदि हम सारणिक के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे a1 इंटू सारणिक या डिटर्मिनेंट b2b3 c2c3 माइनस b1 इंटू डिटर्मिनेंट a2a3 c2c3 प्लस c1 डिटर्मिनेंट a2a3 b2b3 इक्वल टू 0। और यदि इसे आप सारणिक के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट या सारणिक a1 b1 c1 a2 b2 c2
ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस बी वन इंटू ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू प्लस सी वन इंटू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू इक्वल टू जीरो। और यदि आप इसे चित्र के रूप में या एरो साइन के रूप में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इस सारणी को हम तृतीय क्रम या थर्ड ऑर्डर का सारणी कहते हैं। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सारणिक सूक्ष्म रूप से लिखा गया एक विशेष प्रकार का व्यंजक है। तृतीय कोटि के सारणिक को हम सॉरस आरेख या फिर सॉरस डायग्राम के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। इसे सरल करने के लिए या इस आलेख विधि से सरल करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार लिखना होगा। तो अब हम देखते हैं कि सॉरस आरेख का उपयोग करके किसी सारणिक को किस प्रकार हल किया जा सकता है। एक यदि 3x3 का एक सारणिक दिया गया है जिसके पंक्ति के अवयव हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, तो इसे हम सॉरस आरेख से हल करने के लिए इनके तीनों स्तंभों को लिख लेने के बाद राइट हैंड साइड पर फिर से दो स्तंभों को लिखेंगे कुछ इस प्रकार। अब हमें करना क्या है कि एक विकर्ण बनाना है जो कि लेफ्ट टू राइट आ रहा है। यहां पर ए वन से आ रहा है बी टू, बी टू से फिर सी थ्री, इसी प्रकार बी वन से सी टू और सी टू से ए थ्री और सी वन से ए टू और ए टू से बी थ्री, इन पदों का गुणा करना है और ये योग के रूप में रहेगा। इसके विपरीत में जैसे कि यहां पर दिख रहा है सी वन बी टू और ए थ्री, इन तीनों का गुणा होगा, ये ऋण चिन्ह में होगा। इसी प्रकार ए वन सी टू बी थ्री का गुणा होगा, ये भी ऋण चिन्ह के साथ होगा और अंत में बी वन ए टू और सी थ्री का भी गुणा होगा, ये भी ऋण चिन्ह के साथ होगा। तो इस प्रकार सॉरस आरेख से हम इसको लिख सकते हैं ए वन बी टू सी थ्री प्लस बी वन सी टू ए थ्री प्लस सी वन ए टू बी थ्री, फिर माइनस ए थ्री बी टू सी वन माइनस ए वन सी टू बी थ्री माइनस बी वन ए टू सी थ्री। तो यदि इसे हम ए वन ए बी और सी के सापेक्ष इस क्रम में यदि इसे हम जमा कर लिखें तो हम लिख पाएंगे ए वन बी टू सी थ्री प्लस ए टू बी थ्री सी वन प्लस ए थ्री बी वन सी टू माइनस ए थ्री बी टू सी वन माइनस ए वन बी थ्री सी टू माइनस ए टू बी वन सी थ्री। तो इसका उपयोग करके हम प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, आगे देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं उपसारणिक और सहखंडज, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। उपसारणिक या माइनर, किसी अवयव का उपसारणिक दिए हुए सारणिक के उस अवयव वाली पंक्ति व स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त सारणिक होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक सारणिक ले लें ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, तब ए वन वन अवयव का उपसारणिक ए वन वन पहले रो पर है और पहले कॉलम पर है, इन दोनों को छोड़ दीजिए तो जो बच रहा है यह है ए टू टू। तो माइनर उपसारणी को माइनर कहते हैं और उसका कैपिटल एम को लिया जा रहा है या लिया जाता है उसको प्रदर्शित करने के लिए। तो अवयव ए वन वन का जो उपसारणिक होगा इसे हम एम वन वन से प्रदर्शित करेंगे जो कि यहां पर ए टू टू है। इसी प्रकार अवयव ए वन टू का उपसारणी, ए वन टू का मतलब है कि पहला रो और दूसरा कॉलम, इसको छोड़ दीजिए तो एक अवयव बच रहा है जो कि है ए टू वन, तो इसे हम लिखेंगे एम वन टू इक्वल टू ए टू वन। अवयव ए टू वन का उपसारणी, तो पहला कॉलम दूसरा रो इन दोनों को छोड़ दीजिए, आपको एक अवयव मिल रहा है ए वन टू, तो इसे हम लिखेंगे एम टू वन इक्वल टू ए वन टू। और अवयव ए टू टू का जो उपसारणिक होगा इसे हम एम टू टू से प्रदर्शित करेंगे
जो कि बराबर है ए वन वन के। अब यदि हम तृतीय कोटि का सारणिक लें और इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं कि डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री और अंत में ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, यह एक सारणिक है। तब ए वन वन का जो उपसारणिक होगा एम वन वन, तो ए वन वन पहले रो और पहले कॉलम पर है, इन दोनों रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो एक छोटा उपसारणिक बच रहा है यह एम वन वन, यह है ए टू टू ए टू थ्री और ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसी प्रकार अवयव ए वन टू का उपसारणिक एम वन टू होगा इक्वल टू सारणिक ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री, यह पहले रो पर है और दूसरे कॉलम पर है, तो इन दोनों को हटा दीजिए तो जो बच रहा है यह सारणिक हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ए वन थ्री अवयव का उपसारणिक एम वन थ्री इक्वल टू डिटर्मिनेंट या सारणिक ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, तो चित्र में आप कुछ इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब आते हैं सहखंडज या कोफैक्टर्स पर। यदि कोई अवयव ए आई जे आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ में स्थित है तब ए आई जे का जो सहखंडज है इसे कैपिटल ए आई जे इक्वल टू माइनस वन का पावर आई प्लस जे इंटू स्मॉल ए आई जे का उपसारणिक होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू माइनस वन का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए वन वन इक्वल टू माइनस वन का पावर वन प्लस वन एम वन वन, और माइनस वन का पावर टू है तो वो धनात्मक संख्या मिलेगी, और इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू एम वन वन। तो डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। इसी प्रकार ए वन टू इक्वल टू माइनस वन का पावर आई प्लस जे, आई का मान वन और टू का मान और जे का मान टू, तो ये माइनस वन का पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू। माइनस वन का पावर थ्री आपको मिल जाएगा माइनस वन, और एम वन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस एम वन टू इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। तो इससे यह स्पष्ट है कि ए वन वन जो होगा यह एम वन वन होगा, ए वन टू माइनस एम वन टू होगा और ए वन थ्री एम वन थ्री के बराबर होगा। इसी प्रकार ए टू वन बराबर माइनस एम टू वन, ए टू टू बराबर एम टू टू, ए टू थ्री बराबर माइनस एम टू थ्री, ए थ्री वन बराबर एम थ्री वन, ए थ्री टू बराबर माइनस एम थ्री टू और ए थ्री थ्री बराबर एम थ्री थ्री। अब आगे देखते हैं कि द्वितीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंडज के रूप में प्रसार। तो माना कि जो सारणिक है डेल्टा ये है द्वितीय कोटि का ए वन वन ए वन टू और ए टू वन ए टू टू, तो ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू यह उपसारणिक के क्रमशः एम वन वन एम वन टू एम टू वन और एम टू टू है। एम अर्थात यहां पर माइनर तथा ए वन वन स्मॉल ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू के सहखंडज क्रमशः कैपिटल ए वन वन कैपिटल ए वन टू कैपिटल ए टू वन और कैपिटल ए टू टू है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि कैपिटल एम वन वन इक्वल टू स्मॉल ए टू टू, एम वन टू इक्वल टू ए टू वन और एम टू वन इक्वल टू ए वन टू, एम टू टू इक्वल टू ए वन वन और ए वन वन इक्वल टू स्मॉल ए टू टू, ए वन टू इक्वल टू माइनस ए टू वन और ए टू वन इक्वल टू माइनस ए वन टू और ए टू टू इक्वल टू स्मॉल ए वन वन।
तो इस प्रकार जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा A11, A12, A21 और A22, इसे यदि आप R1 अर्थात रो 1 के सापेक्ष प्रसार करें तो आपको मिल जाएगा A11 into A22 माइनस A21 into A12। तो इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू A11 कैपिटल M11 माइनस A12 कैपिटल M12, या फिर डेल्टा इक्वल टू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12, या फिर इसके क्रम में यदि आप परिवर्तन कर दें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू माइनस A21 कैपिटल M21 प्लस A22 कैपिटल M22, और डेल्टा इक्वल टू A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22। तृतीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंड के रूप में प्रसार। तो माना एक सारणिक है जो कि तृतीय कोटि का है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। यदि इसे हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो हम लिख सकते हैं कि A11 into determinant A22, A23, A32, A33 माइनस A12 into determinant A21, A23, A31, A33 प्लस A13 into determinant A21, A22, A31, A32। तो इसे माइनर के रूप में लिखा जा सकता है कि A11 into M11 माइनस A12 into M12 प्लस A13 into M13। आप यह जानते हैं कि सहखंड को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार इसे हम आगे लिख सकते हैं कि A11 into capital A11 प्लस A12 into capital A12 प्लस A13 into capital A13। तो इससे यह स्पष्ट है कि सारणिक का मान पहली पंक्ति के अवयवों और उसके संगत सहखंडों के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। यह तथ्य प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ के लिए सत्य है। इस प्रकार प्रथम स्तंभ के अवयवों के अनुसार सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। और यदि इसे आप माइनर के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख पाएंगे A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M21 प्लस A31 इंटू M31। और यहां पर माइनर जो है उसको हम एग्जैक्टली उसके अवयवों के रूप में लिखे उपसारणी के रूप में, तो आप लिख पाएंगे डेल्टा इक्वल टू A11 इंटू डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33 माइनस A21 इंटू डिटर्मिनेंट A12 A13 और फिर A32 A33 प्लस A31 इंटू डिटर्मिनेंट A12 A13 A22 A23। तो इस प्रकार अन्य पंक्तियों व स्तंभों के लिए भी हम विस्तार कर सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो आपको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। और यदि तृतीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो आप लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि सारणिक के सभी सहखंडज ज्ञात कीजिए। और सारणिक जो है तृतीय कोटि का, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसे हम यह मान करके चलते हैं कि यह डेल्टा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारणिक दिया गया है और इसके सभी सहखंड निकालने के लिए कहा गया है। सहखंड निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए,
ये होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस वन का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे यहाँ पर माइनर है या सहसारणिक है। माइनर ये उपसारणिक है जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था। आई जो है यह रो की संख्या है और जे कॉलम की संख्या है। इसका मतलब ये कि ये जो पहला अवयव है ये ए वन वन होगा, ये ए वन टू होगा। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि ये ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन दूसरा रो है, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो ये जो अवयव है ए वन वन है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि अवयव एक का सहखंडज या एक का सहखंड। अब इसका सहखंड तो इसे हम कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल ए वन वन। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस वन वन प्लस वन एम आई जे, मतलब यहाँ पर एम वन वन। माइनर या उपसारणी कैसे निकालते हैं? ये जो अवयव है इसके रो और कॉलम को छुपा दीजिए। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर जो अवयव बच रही है पाँच, छः, आठ और नौ, तो ये वह माइनर है। माइनस वन का पावर टू धनात्मक संख्या मिलेगी तो एम वन वन मिलेगा, और एम वन वन इसका मतलब है पाँच, छः, आठ और नौ। ये सारणी को कैसे हल करते हैं आपको पता है कि नौ और पाँच का गुणा करेंगे मिल जाएगा पैंतालीस, छः और आठ का गुणा करेंगे मिल जाएगा अड़तालीस। सरल करने पर आपको मिल रहा है ऋण तीन। इसी प्रकार अवयव दो का सहखंड, इसको हम लिखेंगे ए वन टू, ये वाला अवयव। तो ये हो जाएगा माइनस वन का पावर वन प्लस टू एम वन टू। माइनस वन का पावर जो है ये तीन है, विषम संख्या है, तो आपको मिल जाएगा माइनस एम वन टू। तो ये जो अवयव है इसके इस रो और इस कॉलम को छुपा दीजिए, चार, छः, सात और नौ, ये दो चीज़ें बचेंगी, ये अवयव बचेगा चार, छः, सात और नौ। जिस तरीके से सारणी को हल करते हैं वैसे सरल करेंगे, नौ और चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा छत्तीस, और सात और छः का गुणा करेंगे मिल जाएगा बयालीस। सरल करने पर आपको मिल जाएगा ऋण छः। चूँकि यहाँ पर ऋण चिन्ह पहले से है तो ये यहाँ पर ये ऋण चिन्ह आएगा, और इसको सॉल्व करने पर जो ऋण आ रहा है और ये ऋण, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। तो इस प्रकार अवयव दो का जो सहखंड है यह धन छः प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं अवयव तीन का सहखंड। अवयव तीन का सहखंड निकालेंगे ए वन थ्री, तो ये माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री। यहाँ पर ये ऋण एक का घात चार है, सम संख्या, धनात्मक मान मिलेगा, इसका मतलब ये कि एम वन थ्री। तो ये एम वन थ्री मतलब ये वाला अवयव है, इसको इस रो और इस कॉलम को छुपा दीजिए तो उपसारणी हमें मिलेगा चार, पाँच, सात, आठ, ये द्वितीय कोटि का होगा। ये चार, पाँच, सात और आठ, आठ और चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा बत्तीस, ऋण सात और पाँच का गुणा करेंगे मिल जाएगा पैंतीस। सरल करने पर आपको मिल जाएगा ऋण तीन। इसी प्रकार आप शेष अवयव के भी सहखंडज निकाल सकते हैं या सहखंड निकाल सकते हैं। तो अवयव चार का सहखंड ये टू वन, और ये मिल जाएगा माइनस वन का पावर टू प्लस वन एम टू वन। यहाँ पर आपको ऋण मिलेगा क्योंकि दो धन एक तीन मिलेगा, ऋण एक का घात तीन ऋणात्मक संख्या, तो ये ऋण एम टू वन। तो इस अवयव, ये जो अवयव है इसके रो और कॉलम को छुपा दीजिए तो ये दो तीन आठ नौ, ये अवयव बचेगा दो तीन आठ नौ। नौ और दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा अट्ठारह, आठ और तीन का गुणा करेंगे मिल जाएगा चौबीस। सरल करने पर आपको मिल जाएगा ऋण छः। लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह पहले से, ये ऋण चिन्ह और इसके साथ फिर यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे तो ऋण और ऋण आपको मिल जाएगा धन, तो धन छः यहाँ पर ये भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार पाँच अवयव पाँच का सहखंड, इसको जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण बारह। अवयव छः का सहखंड जब आप निकालेंगे तो मिल जाएगा छः। इसी प्रकार सात का सहखंड निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण तीन।
8 का सहखंड निकालेंगे आपको मिल जाएगा 6, और 9 का सहखंड निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 3। प्रश्न दिया गया है कि सारणिक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तृतीय कोटि का सारणिक है। इसमें कहा गया है कि अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अवयव 6 का उपसारणिक, अब अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए आपको अवयव 6 का एड्रेस ये पता होना चाहिए। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, और यहाँ पर ये अवयव है। तो ये दूसरा रो आ रहा है, इसका मतलब ये कि मान लेते हैं कि ये अवयव है ए, दूसरा रो और ये पहला, दूसरा और ये तीसरा कॉलम, तो इसका जो एड्रेस होगा A23 होगा। तो इसका जो माइनर निकालेंगे ये हमें मिल जाएगा M23। M23 का मतलब इस अवयव का उपसारणिक। तो इस रो और इस कॉलम को छुपा दीजिए, ये रो और ये कॉलम, तो उपसारणिक बनेगा 1, 2, 7, 8। तो इसे हम लिखेंगे 1, 2, 7, 8, ये उपसारणिक है। इसे किस प्रकार सरल करते हैं आपको पता है, 8 और 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 8, 7 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 14। सरल करने पर आपको मिल जाएगा ऋण 6, और यही इस दिए गए सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक का मान है। प्रश्न दिया गया है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, यह भी तृतीय कोटि का सारणिक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। इस उपसारणिक, इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है, जहां पर ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है, जहां ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ओमेगा और 1 से यह सारणिक बना हुआ है। सारणिक को किस प्रकार हल करते हैं आपको पता है, यदि आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, माना कि यह डेल्टा है, और प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये जो अवयव है इसके सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं। तो पहला अवयव है 1, इस ये जो एक जहाँ पर उपलब्ध है इसके रो और कॉलम को छुपा दो। दूसरा जो उपसारणिक बचेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर 1, और ये ओमेगा और 1, फिर ऋण चिन्ह के साथ आपको ओमेगा लिखना है, क्योंकि ये 1 1 है और ये 1 2, यहाँ पर 1 2 दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा 3, माइनस 1 का पावर आपको मिल रहा है 3, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। फिर ओमेगा, और इसका, इस ओमेगा का उपसारणिक ये ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1, तो हम लिखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका एड्रेस है 1 3, तो यहाँ पर धनात्मक संख्या मिलेगी। तो ये ओमेगा स्क्वायर और इसका उपसारणिक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा। आगे जब सरल करेंगे तो सारणिक को कैसे हल करना है आपको ज्ञात है, इसका गुणा इसके साथ होगा मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा, फिर ये वाला माइनस ओमेगा, इसके साथ ओमेगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ओमेगा का पावर 4। और चूंकि आपको पता है कि ओमेगा का क्यूब जो होता है ये 1 होता है, तो ओमेगा ओमेगा का पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा का पावर 3 1, तो इस प्रकार ओमेगा का पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा। तो आगे सरल करते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा और ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस और ओमेगा क्यूब। फिर इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ओमेगा का पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का पावर 4, तो इस ओमेगा को हम लोग ओमेगा से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया, तो
तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ओमेगा क्यूब। तो अब देखिए कि ये ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये जितने पद को हमने अंडरलाइन किया ये कैंसिल हो गया। ओमेगा का पावर फोर, ओमेगा का पावर फोर को आप ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा का पावर फोर, ये प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा अल्टीमेटली आ गया ज़ीरो। तो यहाँ से इस सारणिक का मान आपको शून्य प्राप्त हुआ। अब हम इसकी एक दूसरी विधि देखेंगे जिसको सौरस आरेख के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एरो डायग्राम का उपयोग करके हम इसको सरल कर लेंगे। तो दूसरा जो विधि है ये सौरस डायग्राम के नाम से जाना जाता है इसे। इसमें करना ये कि पहले आपको सारे अवयवों को एक बार लिख लेना है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और फिर ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन और फिर ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और वन। इसके दो कॉलम को फिर से आपको रिपीट करना है, तो ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। अब आपको एरो का यूज़ करना है कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये सब योग में रहेगा। तो इस डिटर्मिनेंट का या सारणिक का जो मान है, ये जो चिन्ह है इसको हम धनात्मक लेंगे, तो वन इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वन आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ये मिल जाएगा आपको ओमेगा का पावर थ्री, प्लस ओमेगा का पावर टू ये वन और ये वन, तो ओमेगा का पावर फोर। अब इसके बाद दूसरा एरो हम लोग उपयोग करेंगे जिसमें आप ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे, वो कुछ इस तरीके से, इसका गुणा होगा इससे, इस पद से, इसका गुणा इससे, इसी प्रकार इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो इसका मतलब ये कि जो हम ब्लैक कलर में उपयोग कर रहे हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ होगा और जो ब्लू कलर में जो त्रियक गुणा हो रहा है इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे। तो ओमेगा का पावर टू, ओमेगा का पावर टू, ओमेगा का पावर टू तीन बार, तो ये ओमेगा का पावर छः आ जाएगा। फिर माइनस वन इंटू ओमेगा, इसको आप लिखेंगे ओमेगा, फिर ओमेगा इंटू वन ओमेगा स्क्वायर, तो ये मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि आपको यह पता है कि ओमेगा का पावर थ्री जो होता है यह वन होता है और ओमेगा का पावर फोर को हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर थ्री इंटू ओमेगा और ओमेगा क्यूब होता है वन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा। और ओमेगा का पावर सिक्स इसको लिखा जा सकता है ओमेगा का पावर थ्री और इसका पावर टू, और ओमेगा का पावर थ्री होता है वन, तो वन का पावर टू इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम इसको सरल करते हैं, ये हो गया आपको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब दैट इज़ वन, ओमेगा का पावर फोर दैट इज़ ओमेगा, ओमेगा का पावर सिक्स दैट इज़ वन, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपको डेल्टा का मान शून्य प्राप्त हो रहा है। तो आप किसी भी विधि का उपयोग करिए, उत्तर आपको वही मिलेगा।